देखो दोस्तों कितनी ज़्यादा माशाल्लाह लोग आ रहे हैं और सब ईदगाह के लिए जा रहे हैं वो लोग सभी। आगे वो ईदगाह है उसके पीछे ये देखिए, मैं आगे आपको जा कर के दिखाता हूँ। वो दूर तक आपको दिख रहे होंगे सभी लोग आ रहे हैं वो, और आप देखते रहिए आगे मैं आपको जा कर के दिखाता हूँ। वैसे भी मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूँ, ये जो बना हुआ है इसके पीछे ईदगाह है। आपको आवाज़ भी आ रही होगी माइक की। मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले तो मैं आज आपको ईद उल अज़हा की मुबारकबाद देना चाहूँगा, और सबसे पहले तो हैप्पी ईद उल अज़हा सभी मेरे दोस्तों को। और मैं बिल्कुल डायरेक्टली एकदम आ गया हूँ ईदगाह के ऊपर। ये ईदगाह है मेरे पीछे, बैक साइड है इसका अभी, क्योंकि मैंने सवेरा सा, क्योंकि ईद उल अज़हा में क्या होता है ना कि अर्ली मॉर्निंग ही नमाज हो जाती है, जिससे लोग सभी कुर्बानी का जो फरीज़ा है वो अंजाम दे सकें। और मैं भी अभी अभी बस आया हूँ ईदगाह। ये मेरे पीछे ईदगाह है, आप देखिएगा। अभी हम लोग चलते हैं आगे और मैं आपको दिखाता हूँ हमारे यहाँ पे मतलब किस तरह से ईद को सेलिब्रेट किया जा रहा है, ईद की नमाज हो रही है और कई सारी चीज़ें होंगी आगे। कुर्बानी का भी सीन चल रहा है और ये भी चल ही रहा है। यहाँ पर सभी लोग आ रहे हैं अभी मेरे पीछे, अगर आप देखोगे तो देखो वो पीछे सभी लोग आ ही जा रहे हैं अभी। सब ईदगाह पर इकट्ठा होंगे, सभी नमाज अदा करेंगे और उसके बाद सभी लोग अपने अपने काम को जाएंगे। देखिए दोस्तों, कुछ बाइकें यहाँ खड़ी हुई हैं, कुछ गाड़ियाँ आगे खड़ी हुई हैं, कुछ लोग हैं जो आ ही रहे हैं अभी। देखिए कितने लोग आए जा रहे हैं अभी। मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों ईदगाह में कितनी खचाखच भरी हुई है, ये देखिए आप। ये देखिए सभी लोग देखिए आप, दूर तक बहुत बड़ी ईदगाह है दोस्तों। पहाड़ से मैं भी आपको आगे भी जाकर दिखाता हूँ। इब्राहिम अपनी बीवी और अपने बेटे को यहीं पर छोड़ करके यहाँ, अभी लोग पीछे से आ ही रहे हैं और कुछ खेल खिलौने वाले, कुछ सामान वाले आगे पीछे खड़े रहते हैं। मैं अभी आपको वो भी दिखाता हूँ दोस्तों। ये देखिए साइड पे आप, अभी लोग इकट्ठा हो रहे हैं नमाज के लिए, आ रहे हैं अभी लोग। लाओ बड़े ये कुछ खेल खिलौने वाले हैं बच्चों के लिए। दो भैया, भैया नहीं दे रहेगा। ये सभी लोग जा रहे हैं नमाज के लिए। ये सब इकट्ठा हो गए हैं। सभी लोग नमाज, अभी मैं बैठा हुआ था जहाँ कुर्बानी हो रही है, और अली
आप चाचा के साथ आए हो ना? हाँ, आपको अच्छा लगा है? हाँ। अच्छा, तो आप मेरे साथ चलोगे, चाचा के साथ चलोगे, बताओ? घर चलोगे आप? तो दोस्तों, अली अभी आया हुआ था मेरे पास और अब अपने चाचा के साथ, चाचा के पीछे बैठे हुए हैं चेयर पर, तो अली अब जाएंगे मेरे साथ, चले? चलो पहले बोल दो हैप्पी ईद। हाँ चले, हाँ चलते हैं। तो अली और मैं अभी हम लोग चल रहे हैं दोस्तों, और चलने के बाद अब जरा चेंज करेंगे हम लोग, कुर्बानी का तो काम हो ही गया है सारा, बाकी अली मैं अब घर चलते हैं, ठीक है ना अली? ये ठीक हो सकता है? हाँ, ये ठीक हो सकता है। अच्छा, आपको अच्छा लग रहा है ना? हाँ। ठीक है, चलो ऊपर। तो अभी अभी आया था मैं महराज जी के यहाँ पर, और महराज जी तो अपने उससे मानते नहीं भैया, इन्हें स्पेशली फोन करके मैंने बोला कि बस मैं आऊंगा, और तुमसे सिर्फ तबीयत खराब चल रही है इनकी काफी दिन से, इवन 1 वीक से ज्यादा हो गया है, और बस मैंने कहा इनकी मुजाहद कुर्सी की जाए, जरा इनसे मिला जाए, लेकिन ये तो माशाल्लाह है ही, अब आते के साथ ही इन्हें पता है। अब जलेबी देखो तुम, इन्हें पता है कि ये मेरी कमजोरी है मीठा, तो बस ये मेरे सामने कर देते हैं, मुझे कर देते हैं कमजोर, अब क्या करें हम। तो महराज जी से मिलाऊंगा मैं भी, आप तो महराज जी ऐसा कैसे कर लेते हो आप, यही तो बताएंगे आप है? यही तो टैलेंट है। अच्छा, तो कभी ख्याल ना रखा तो क्या ख्याल रखा? सही, तो बताओ इतना काम ही कर लेते हैं, कैसे करते हैं बस साइड। दोस्तों अभी कटिंग वटिंग करा के घर पे आया हूँ मैं, और सारा काम तो लगभग कम्प्लीट हो ही गया है, कुर्बानी का, नमाज का, सारा खीर वगैरह खा के बस अभी मैं थोड़ा आराम कर रहा था, तो आराम करने के बाद फिर मैं चला गया था महराज जी के यहाँ पर। अभी फिर एक दूसरी जगह से कॉल आई हुई है, फिर वहाँ निकल रहा हूँ मैं अभी, लेकिन अभी अभी बच्चों के साथ में खेल ही रहा था। आलिया, आलिया अभी इधर देखें, आप चिप्स खा रहे हो क्या? तो आलिया चिप्स खा रही है दोस्तों, और अली भी चिप्स खा रहा है। अली, क्या आप चिप्स खिला रहे हो बीबी को? अच्छा, आपको, आपकी प्यारी बीबी है। हाँ बोलो, धीरे धीरे खिलाते हैं बाबू। तो आलिया और अली तो चिप्स खा रहे हैं दोनों, खा लीजिए, थोड़ा थोड़ा खा लीजिए आप बच्चे, थोड़ा थोड़ा खाते हैं आलिया। तो आलिया भी चिप्स खा रही है, ट्राई कर, कोशिश तो करती है, और बस अली के साथ खेलती रहती है। अभी मैं बस कटिंग करा के, क्योंकि कुर्बानी से पहले तो फिर कटिंग नहीं कराते, कुर्बानी के बाद मैंने कुर्बानी वगैरह करा के फिर कटिंग वटिंग करा के मैं आया हूँ। अभी बस मैंने थोड़ा सा खाना खाया, और बस खाना खा के बच्चे साथ खेल ही रहे थे, सो रहे थे, बनिए सो के उठे हैं, तो इतनी अली की फरमाइश हुई थी कि भाई मुझे, आप मुझे चिप्स खाने हैं, फिर चिप्स दिला के लेकर के आए इनको, और चिप्स खाने के बाद फिर ये अभी आलू के चिप्स खिला रहे थे उसको, तो अभी खेलते हैं इनके साथ थोड़ा देर और खेल। आलिया तो सो गई है ना, क्या आलिया सो गई है? आलिया, अली आपके माऊ बहुत गंदे रहते हैं, आप नीचे बैठो, आप आलिया के साथ आपको चिप्स खिलाने होंगे, क्या आप चिप्स खिला सकते हो आलिया को? थोड़े थोड़े खिलाने होंगे, थोड़े थोड़े। आलिया क्या कर रहे हो आप, है बाबू? क्या लाइट गई? अच्छा, दूसरा फैन ऑन किया है। हाँ भाई, अली आप चिप्स खा रहे हो, क्या होते हैं ये, आपको अच्छे लगते हैं? तो चिप्स, तो चिप्स खा रहे हैं अभी बच्चे, और आलिया भी चिप्स खा रही है। आलिया खेल रहे हो आप, क्या आप मेरे साथ आ सकते हो? तो मैं आता हूँ अभी, आलिया आप खेलो आलिया के साथ, ठीक है? ठीक है ना, बाय आलिया। तो शाम का वक्त हुआ जा रहा है, और फरमान भाई और मैं आए थे एक हमारे यहाँ पे मॉन्टी मिलियन रेस्टोरेंट पड़ता है, तो अभी हम आए हुए हैं यहाँ, मेरे पीछे देखोगे आप, तो बस अभी हम यहाँ पे आके सोच रहे थे कि नाश्ता वगैरह कुछ करेंगे। अभी दोस्तों हम लोग आए हुए थे मॉन्टी मिलियन रेस्टोरेंट पर, और हमने बस अभी कुछ थोड़ा बहुत स्टार्टर्स वगैरह खाए हैं, और खाने के बाद बस हमने सोचा, क्योंकि मौसम बड़ा अच्छा हो गया दोस्तों, मैं अगर आपको दिखाऊं पीछे, मौसम बहुत अच्छा है, एकदम घटा सी हो गई है, इवन शाम का वक्त है, तो मैं और फरमान जी थोड़ा आगे चले गए मुझसे, अभी हम सोच रहे थे कि थोड़ा टहलते हैं। मेरे बिरावर में एक बहुत बड़ी नहर चल रही है, वो गंगा जी में से निकल के आती है नहर, वो उधर
वो देखो कितनी बड़ी है, वो बिल्कुल फुल चल रही है अब अच्छे से। मैं यहाँ जितनी बार भी आया हूँ तब तक वो मुझे नहर तो मिली है, वो इतना मतलब पानी नहीं मिला, बिल्कुल सूखी सूखी नहर होती थी, लेकिन अभी काफी पानी उसके अंदर है। तो इतना सारा पानी देख के तो यार मुझे लगा कि पीछे से बहुत पानी आ रहा है। आजकल मौसम बहुत अच्छा हो गया क्योंकि बारिश का तो माहौल चल ही रहा है, ऐसी बारिश में तो पानी बहुत अच्छा आता है। और पहाड़ों पर बारिश हो रही है ऑब्वियसली, कई जगह तो रेड अलर्ट मतलब घोषित कर दिया है गवर्नमेंट ने पहाड़ों पर, तो हिल स्टेशन पे अभी तो फिर जाना सही नहीं है, उस वजह से पानी तो काफी बहुत सारा आ रहा है पानी। ये बहुत अच्छा एरिया बनाया हुआ है दोस्तों, ये इसका बैक साइड का हिस्सा है पूरा। तो दोस्तों अभी हम आए हुए थे मल्टी मिलियन रेस्टोरेंट, ये पड़ता है हमारे होम टाउन से लगभग 6-7 किलोमीटर के दूरी पर, और ये होता है हमारा जो बिजनौर जिला, बिजनौर पड़ता है, बिजनौर डिस्ट्रिक्ट के उसके पहले ही पड़ता है। तो फरमान भाई और मैं आए हुए थे आज, आने के बाद फिर हमने कुछ थोड़ा सा लिया यहाँ पर, और खाने के बाद फिर हम थोड़ा सा टहले। पीछे मैंने आपको दिखाया ईद काफ़ी अच्छी रही, अगर मैं ईद के प्रोस्पेक्टिव से बात करूँ दोस्तों, ईद हमारी बहुत अच्छे से रही, हमने काफ़ी अच्छे से मतलब पूरा अच्छे से इन्जॉय किया पूरा ईद को अपने। और सारा काम करने के बाद फिर हम बैठे हुए थे ऐसे ही, थोड़ा सा आराम भी कर लिया था, आराम करने के बाद हमने सोचा कि चलो चलते हैं कहीं पर घूमने के लिए। तो फिर फरमान भाई को किसी से काम भी था यहाँ पर, अब हमने सोचा कि चलो फिर क्यों ना थोड़ा आगे तक चला जाए। अब हम यहाँ थोड़ा सा बस घूम फिर के अभी चल रहे हैं घर को, और आई होप दोस्तों काफ़ी अच्छी वीडियो आपको लगी होगी, इसी तरह से प्यार बनाए रखें राशिद भाई व्लॉग्स अपने भाई के ऊपर। बाकी तो फिर हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए